मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास. टुडे आई विल डिस्कस विद यू द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स. देयर आर थ्री मेन आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए एंड द, बट आई विल ओनली डिस्कस विद यू अबाउट ए एंड एन. सो स्टूडेंट्स, ए वी यूज आर्टिकल बिफोर कंसोनेंट साउंड्स एंड वी यूज एन बिफोर वाउल साउंड्स. हुण देखो बच्चे, कंसोनेंट साउंड्स मतलब जेड़े वर्ड, जिमें कोई भी वर्ड आ, बी सी डी जी एच टी जे के, ये सारे कंसोनेंट साउंड. बट वी हैव फाइव वॉल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए ई आई ओ यू, ये जड़े आ ये फाइव वॉल्स आ. इन्हां नूं छड़ के बाकी जिन्ने अल्फाबैट आ इंग्लिश लैंग्वेज के, वह सारे की आ, कंसोनेंट. सो जिहड़े वर्ड जिहड़े कंसोनेंट साउंड तो स्टार्ट हुंदे आ, उन्हां दे अगे असीं की यूज करते हैं, ए आर्टिकल ए. फॉर एग्जाम्पल, अ कार, अ डॉग, अ बॉय, अ गर्ल, अ हाउस, अ ट्री. हुण देखो नीचे जिहड़े वॉल्स लिखे आ, ए ई आई ओ यू, उन्हां विचों किसी भी अल्फाबैट के नालों कोई वर्ड नहीं स्टार्ट हो रहा. इट मीनस असी कंसोनेंट साउंड्स के नाल जिहड़े वर्ड स्टार्ट हुंदे आ नाउन जां उन्हां दे नाल असी की यूज करते हैं, आर्टिकल ए. एंड जिहड़े वाउल्स साउंड के नाल स्टार्ट हुंदे आ उन्हां दे पहलां असी यूज करते हैं, आर्टिकल एन. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन इंजीनियर, एन आइसक्रीम. सो एक रूल होर आ स्टूडेंट्स, ए एंड एन दा यूज करन दे लई, मतलब कि जेड़े असी ए ते एन यूज करते हैं, वी यूज्ड ए एंड एन ओनली विद काउंटेबल नाउन्स. जेड़े काउंटेबल नाउन, गिनन योग नाउन आ, सिर्फ उन्हां दे नाल असी ए ते एन दा यूज करते हैं. जेड़े प्लूरल होंदे आ उन्हां दे नाल असी एन दा यूज नहीं करते. जिद्दां मैं वर्ड बोला डॉक्टर, डॉक्टर दे नाल असी कोई आर्टिकल यूज कर सकते, बट जे डॉक्टर्स लिखना असी सेंटेंस विच, उहदे नाल असी कोई आर्टिकल नहीं यूज करांगे. मतलब प्लूरल दे नाल नहीं करने जिहड़े, ते काउंटेबल नाउन दे नाल ही करने जिहड़े गिणन योग नाउन हुंदे. जिद्दां कार असी गिण सकदे किन्नियां कारां वा, डॉग भी गिण सकदे आ, बॉय गर्ल हाउस ट्री, सारे कुछ जिहड़े काउंटेबल नाउन, इन्हां दे नाल असी इस करके आर्टिकल यूज कीता. बट जे ए प्लूरल फॉर्म च होण जां अनकाउंटेबल होण, फिर असी ए एन यूज नहीं करना. नैक्सट यूज, यूज ए एंड एन टू टॉक अबाउट अ परसन और थिंक अननोन टू योर लिसनर. जिंदा बारे असी नहीं जानते उन्हां दे नाल भी ए एन नहीं लगाते, क्योंकि असी जिहड़े आर्टिकल आ असी यूज ही तां करते हैं, असी जिहड़ी किसी चीज़ बारे नूं स्पैसीफाई करना होवे, डिटरमिन करना होवे कि असी आह वाली गल चीज़ बारे गल कर रहे हैं, फिर असी ए एन दा यूज करते हैं. इत्थे एक एग्जाम्पल आ बहुत वधिया, जिद्दां डू यू हैव अ पेंसिल, की तेरे कोल पेंसिल है. डू यू हैव द पेंसिल दैट कैथी गेव यू, जिहड़ी पेंसिल कैथी ने तैनू दित्ती सी कि वह तेरे कोल है. सो इत्थे स्पैसीफाई किया गया पेंसिल नू, कि जिहड़ा इत्थे दी पहचान बन गई पेंसिल दी, कि कैथी ने पेंसिल जिहड़ी दित्ती वह उहदे बारे गल हो रही. सो स्टूडेंट्स, यू नैक्सट रूल आ, यूज ए और एन टू मैनशन द कैटेगरी और टाइप ऑफ अ परसन और थिंक. जदों असी किसी परसन तो थिंक की कैटेगरी दसनी हो कि वह किस किस्म का वा, उदों भी असी जड़ा वा उदे नाल असी ए और एन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जिम्स डॉटर इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, आई एम अ टीचर, ही वर्कड एज अ कैशियर फॉर टू ईयर्स. हुण फर्स्ट सेंटेंस जिहड़ा, जिम्स डॉटर इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इत्थे इंटेलिजेंट दे अगे जिहड़ा वह एन लगाया गया वा, नाउन की आ गर्ल, तो गर्ल की कैटेगरी आ इंटेलिजेंट आ, सो इस करके असी एन यूज किया.
आई एम अ टीचर, टीचर मेरी मतलब हुण एक कैटागिरी होगी कि मैं टीचर हाँ, सो टीचर दे अगे असी यूज़ किया है। ही वर्कड एज अ कैशियर फॉर 2 ईयर्स, उन्हें एज अ कैशियर काम किया 2 साल, तो कैशियर वो कैटागिरी पहचान हो जाती है कि वह कैशियर आ, सो कैशियर दे अगे असी ए यूज़ किया आर्टिकल। ओके, सो स्टूडेंट्स फिल इन द गैप्स यूज ए एंड एन। एलीफेंट, कार, टीचर, ऑनियन, इंटरेस्टिंग स्टोरी, यूरोपियन टूअर, आर। सो इन तुसी ए ते एन दी विचों तुसी आर्टिकल जड़े फिल करने हैं ब्लैंक्स। नैक्सट आ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन। इट इज़ अ सॉरी इट इज़ डैश कैट, इट इज़ डैश हाउस, आई सॉ डैश इग्लू, देयर इज़ डैश एलियन, आई हैव डैश अम्ब्रेला। स्टूडेंट एक होर मेन गल आ, जिदा तुहानू मैं दसिया कि जेडे वर्ड स्टार्ट हुंदे आ ए ई आई ओ यू, उन्हां दे नाल असी एन यूज़ करते हैं, बट जिहड़ियां तुहानू मैं इग्जैम्पल्स दित्तियां उन्हां विच कुछ क वर्ड इदां दे आ जिहड़े स्टार्ट भावें वाउल दे नाल हो रहे आ पर उन्हां दे नाल असी एन यूज़ नहीं करना क्योंकि उन्हां दी साउंड जिहड़ी उह कंसोनेंट वाली आ रही आ। एक गल तुसी मेन याद रखनी है, जदों साउंड किसी वर्ड की कंसोनेंट की आए भावें स्टार्ट वो वाउल दे नाल ही हो रहा होवे बट उत्थे असी एन यूज़ नहीं करना, उत्थे असी ए ही यूज़ करांगे। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।